हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई एम नलिनी त्यागी एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक समझा था कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहाँ से आया, आयोटा कहाँ से आया, किस तरह से फंक्शन हुआ। आपको वो देखना तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। बट इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी न्यू टॉपिक विच इज़ आर्गन प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन जिसे बोलते हैं। होता क्या है कॉम्प्लेक्स प्लेन, किस तरह से हम पोलर फॉर्म यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, फिर देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूँ, जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ठीक है, ताकि आपको मेरे जो वीडियो में जैसे ही अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें एंड यू विल गेट अपडेटेड। ठीक है जी, चलिए फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में क्या कह रहा है, पोलर फॉर्म। पहले हम समझते हैं कि पोलर फॉर्म होती क्या है, किस तरह से फंक्शन करती है, किस तरह से चीज़ें होती हैं। ठीक है, देखिए अभी तक हमने एक प्लेन पढ़ा, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, सिंपल कार्टेशियन प्लेन। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई डैश होता है। तो अगर मैं इस प्लेन पे नॉर्मल नंबर, जब हम इस पे रिप्रेजेंट करते थे जो भी एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करके हम यहाँ पे नंबर्स नोट करते थे, तो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन होता था। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है मैडम जी? कॉम्प्लेक्स प्लेन वो प्लेन होता है जिसमें हम सारे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज वी हैव ए नंबर जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब अगर मैं इसके x और y को इस प्लेन में कहीं डिनोट करूं, कहीं रिप्रेजेंट करूं, तो वो मेरा क्या होगा, ये प्लेन मेरा क्या बन जाएगा, आर्गेंट प्लेन बन जाएगा या कॉम्प्लेक्स प्लेन बन जाएगा। तो एक ऐसा प्लेन जिसके अंदर हम सारी कॉम्प्लेक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, किस तरह से करते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही रहता है जैसे कार्टेशियन प्लेन में रहता है। अगर x और y दोनों पॉजिटिव हैं तो इस एक्सिस में आएंगे, आता था ये पॉजिटिव होता था, ये नेगेटिव होता था। सिमिलरली इसमें भी ये भी पॉजिटिव होता था, ये भी पॉजिटिव होता था, ये नेगेटिव होता था और ये भी नेगेटिव होता था। तो एक्स एक्स दोनों पॉजिटिव इसमें आएंगे, इसमें क्या आएगा, इसमें एक्स नेगेटिव आएगा और वाई पॉजिटिव आएगा। तो दैट मीन्स जहाँ पे नेगेटिव एक्स होगा और वाई पॉजिटिव होगा वो इस प्लेन में आएगा। इस प्लेन में दिखाई दे रहा है दोनों नेगेटिव होते हैं, तो दोनों जब एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा तो वो थर्ड प्लेन में आएगा या थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन आएगा, जब एक्स मेरा पॉजिटिव होगा और वाई मेरा नेगेटिव होगा। दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमें सीधा, एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो ये मेरा फोर्थ प्लेन में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। चलिए फिर आती है कि हमारा आर्गेंट क्या है और हमारा मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था जेड बार, बताया था, याद होगा आप लोगों को। तो अगर मैं इस पॉइंट को पी एज्यूम कर लूँ और इस पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस फाइंड आउट करूं, ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या होगा, जीरो जीरो होगा, ओरिजिन है, जीरो जीरो होगा। तो ओरिजिन से एक्स वाई के बीच की डिस्टेंस हम कैसे निकालते थे, अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। एक्स टू और वाई टू दोनों जीरो हैं, तो पी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस निकालूँ इसकी और इसके डिस्टेंस अगर आर है, तो आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, से पूछा जाएगा कि इसकी मॉड्यूलस क्या है, मॉड्यूलस ऑफ सेट। तो मॉड्यूलस जब पूछेगा तो हम सीधा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, ये तो ही सिंपल बात है। अब थोड़ा सा और इससे आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं इसकी वैल्यूज़ पे, एंगल की वैल्यूज़ पे, थीटा। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से ध्यान से देखिएगा, अगर ये यहाँ पे थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट लूँ, सपोज मैं इसे इस तरह से मिला दूँ, ये मेरा एक पॉइंट होगा और इसे भी यहाँ से मिला दूँ तो ये मेरा एक पॉइंट होगा, तो ये एक्स की वैल्यू होगी, तो ये कितना होगा, ये वाली वैल्यू क्या होगी यहाँ से यहाँ तक, एक्स होगी। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, जो इसकी वैल्यू होगी, जो कि वाई होगी। ठीक है जी, मैं ये बता रही हूँ कि कहाँ से आ रहे हैं, मैं आपको चाहूँ तो सीधा फॉर्मूला भी लिख के बता सकती हूँ, तो जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, लेकिन वो आ कहाँ से रहा है, वो यहाँ से आ रहा है। देखिए अब ये थीटा है, ठीक है, ये एक्स है और ये आर है, और मुझे पता है कॉस थीटा, पढ़ा होगा ना, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। और यहाँ पे अगर मैं बेस की बात करूँ तो बेस क्या है मेरा, एक्स, और हाइपोटेनियस क्या है, आर, तो ये क्या हो गया मेरा, एक्स अपॉन आर, दैट इज एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा, आर कॉस थीटा। सिमिलरली जब हम इस वाले इसी ट्राइंगल में इस तरह से लगाएंगे कि हम साइन थीटा निकालें, तो साइन थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर आर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है इस केस में, इस केस में परपेंडिकुलर ये वाला होगा,
यही तो होगा, ये कितना है y अपॉन हाइपोटेनस, तो फिर भी r ही होगा, तो r इधर चला जाएगा। चलिए ऐसे ही लिख लीजिए, r को कैसे भी लिख लीजिए, ऐसे ही लिख लेते हैं r को, ठीक है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, r साइन थीटा, और z मेरा क्या था, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई था, और x और y की वैल्यूज अगर मैं वहाँ पे रख दूँ तो x z इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया, r कॉमन ले लेंगे हम, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और यही क्या है मेरी पोलर फॉर्म। तो जब भी वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहेगा तो हमें इनडायरेक्टली निकालना क्या है, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हमें निकालना है। r हम कैसे निकालेंगे, r हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकालेंगे, अंडर रूट z स्क्वायर प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा में गेम है थोड़ा सा, तो देख लेते हैं थीटा कैसे निकालेंगे, वहाँ देख लेते हैं। हाँ जी, देखिए थीटा कैसे निकल के आएगा, सपोज कीजिए किसी क्वेश्चन में आपका ये जो r cos थीटा और sin थीटा इस तरह से कुछ, sin थीटा और cos थीटा आप निकाल लेंगे, तो आपके क्वाड्रेंट के हिसाब से आपका थीटा की वैल्यू निकल के आएगी। कैसे निकल के आएगी, अगर आपका x और y जो हैं दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, दैट मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये मैं जानबूझ के नहीं मिटा रही हूँ ताकि मैं आपको सीधे दिखा सकूँ। x और y पॉजिटिव हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो आपका जो एंगल आएगा थीटा वो क्या आएगा, सीधा सीधा अल्फा आ जाएगा, ठीक है। अब ये अल्फा क्या बला है, अल्फा हमारा निकल के आएगा जो साइन थीटा, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ये अल्फा और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे निकल के आ रहा है। अल्फा इनडायरेक्टली निकल के कैसे आएगा कि आपका सपोज कोई वैल्यू दे दी कि आपका साइन अल्फा, साइन का एंगल जो है वो 1/2 आ रहा है और कॉस का √3/2 आ रहा है, तो उन दोनों का जो एंगल निकल के आएगा वो अल्फा निकल के आएगा, ठीक है जी। उस अल्फा से हमारा क्या डिसाइड होगा, थीटा डिसाइड होगा, जो कि हमारा आर्ग्यूमेंट है। इस आर्ग्यूमेंट को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारी पोलर फॉर्म निकल के आएगी। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लर्न रिमेंबर नहीं करना है, रटना नहीं है, सीधे हमें पता है कि एक्स हमारा नेगेटिव हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में और वाई हमारा पॉजिटिव हो जाता है, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इस केस में मेरा थीटा क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, इसके आगे लिख देंगे सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब अगर थर्ड क्वाड्रेंट की मैं बात करूं, इसकी तो दोनों नेगेटिव है, तो अगर एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड में मेरा थीटा क्या होगा, पाई माइनस अल्फा ही होगा, लेकिन इसके आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले दोनों पॉजिटिव होते हैं, नीचे वाले दोनों हम नेगेटिव में लेते हैं, ये थीटा आ गया मेरा। और अब अगर मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं, ये प्लस थीटा ये माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको नेगेटिव और पॉजिटिव देख के पहचानना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा, परेशान मत हो। अभी आप वैल्यूज याद रखो कि फर्स्ट में थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, सेकंड में थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, थर्ड में थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, फोर्थ में मेरा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अभी आप ये वैल्यूज याद रखो, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, आपको सीधे सीधे समझ में आएगा कि अल्फा कहाँ से आया, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलो इसी के साथ हम करते हैं अपने क्वेश्चंस, अभी क्वेश्चंस करेंगे, आपको सब समझ में आएगा, बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा लगता है शुरुआत में, लगता है कि कैसे हो रहा है कैसे हो रहा है, बट एक बार करेंगे क्वेश्चंस तो बहुत इजी है, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर वन में ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर वन में ये मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट कराना है। कह रहा है फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो पोलर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करना है, लेकिन थीटा तो निकालना है ना, तो निकाल लेते हैं। क्या कह रहा है, z इज इक्वल्स टू माइनस वन माइनस आई रूट थ्री। हाँ जी, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें r निकालेंगे, और r हमारा क्या होता है, z बार होता है, जो कि क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। एक तरीका यह है, ये है दूसरा, एनसीईआरटी में भी दिया है। इसने क्या किया है, पहले वाले की मल्टी, इसको कंपैरिजन किया है, फिर दोनों का मल्टीप्लाई किया है, फिर आर स्क्वायर कॉमन लिया। इतना करने की जरूरत नहीं, सीधा आर ले लीजिए, आर इज इक्वल टू अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। तो आर इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया, एक्स की वैल्यू माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, वन प्लस थ्री दैट इज अंडरूट फोर दैट इज टू। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, टू आ गई। पॉजिटिव में क्यों ली, क्योंकि यहाँ पे z क्या होता है, मोड होता है, मॉडुलस निकालते हैं, इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो चलिए अब z पे आते हैं, तो z इज इक्वल्स टू मेरा क्या हो गया,
होता क्या है, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इस तरह से होता है, तो माइनस वन माइनस आई रूट थ्री। तो इस पूरे में मैं टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कर सकती हूँ क्योंकि मुझे आर कॉमन चाहिए, तो जेड इज इक्वल टू मेरा टू कॉमन चला गया और ये माइनस वन अपॉन टू माइनस आई रूट थ्री अपॉन टू। ठीक है, इसे कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा से, इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है बात। अब कॉस थीटा कितना हो गया, माइनस वन बाई टू, देखिए देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस वन बाई टू, एंड साइन थीटा कितना हो गया, या दोनों को कंपैरिजन करेंगे ना, माइनस रूट थ्री बाई टू। अब आता है वो अल्फा वाला गेम। अब देखिए माइनस रूट थ्री बाई टू एंड माइनस वन बाई टू एंड माइनस रूट थ्री बाई टू दोनों नेगेटिव में, कौन सा क्वाड्रेंट जल्दी बताएंगे, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड, यस दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट। अगर ऐसे याद नहीं होता है तो आप साइड में छोटा सा बना के देख सकते हैं, ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये माइनस, ऐसे छोटा सा बना के देख लीजिए, इसमें दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, इसमें एक्स है तो एक्स आगे आएगा, माइनस प्लस आएगा, इसमें दोनों माइनस आएंगे, इसमें प्लस माइनस इस तरह से आएंगे। छोटा सा क्वाड्रेंट आप ऊपर बना के रख भी सकते हैं अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो, वरना आप सीधे याद भी कर सकते हैं कि ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने थीटा क्या बताया था, थीटा बताया था माइनस माइनस पाई, यहाँ पे नहीं था भाई, यहाँ तो था, माइनस अल्फा, ये बताया था। अब बात आती है अल्फा की, अल्फा क्या एंगल है। अब ये देखिए कि साइन थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो रूट थ्री बाई टू है, साइन थीटा की कौन सी वैल्यू, टेबल याद कराई थी, जीरो वन टू थ्री, जीरो थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी, दैट इज़ ये किसकी वैल्यू, 60 की। और कॉस में जाएं तो कॉस में भी 60 की वैल्यू, देखिए आपको हमेशा कॉमन मिलेगी वैल्यू, हमेशा कॉमन मिलेगी, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये 60 की आ जाए और ये 30 की आ जाए, दोनों आएंगी तो 30 की आएंगी, दोनों आएंगी तो 60 की आएंगी। अब यहाँ पे दोनों 60 की आ रही है तो मेरा अल्फा कितना हो गया, यहाँ से हमारा निकल के आएगा अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री, और 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3। आया समझ में किस तरह से निकल के आया कि कॉस और साइन की जो वैल्यूज़ निकल के आ रही होंगी, हम अब साइन नहीं देखेंगे सिर्फ वैल्यूज़ देखेंगे, तो जो वैल्यूज़ निकल के आ रही होंगी वो हमारी अल्फ़ा होंगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा अल्फ़ा क्या आया, पाई बाय थ्री आया, पुट करेंगे माइनस पाई माइनस पाई बाय थ्री, तो ये मेरा कितना आ गया, माइनस टू पाई बाय थ्री। तो ये मेरे आर्ग्यूमेंट की वैल्यू आ गई और ये मेरे मॉड्यूलस की वैल्यू आ गई, आई थिंक बस समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, सब समझ में आएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले वही आर निकालेंगे, आर इज इक्वल टू इसमें भी फिर से रूट थ्री प्लस वन इज इक्वल टू टू आ जाएगा, इस केस में भी रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, वन का स्क्वायर वन, रूट फोर का स्क्वायर रूट टू। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया, टू आ गया, आर आ गया, तो जेड इज इक्वल टू आर के हम इसमें कॉमन लेंगे, टू कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बनाना है, तो टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं टू माइनस रूट थ्री अपॉन टू प्लस आई अपॉन टू, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज़ लिखेंगे। लिखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू माइनस रूट थ्री बाई टू, साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू वन बाई टू। तो पहले तो अपना अल्फ़ा निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सा क्वाड्रेंट है। तो अल्फ़ा के लिए जल्दी से बताएंगे, अल्फ़ा कितना आएगा यहाँ पे, कॉस नेक्स्ट साइन नहीं देखना है, रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू साइन में तो 60 की वैल्यू होती थी, कॉस में 30 की वैल्यू होती है, और सिमिलरली साइन थीटा में किसकी वैल्यू होती है, किसकी होती है, इसमें भी 30 की होती है, तो ये हो गई हमारी पाई बाय 6 की वैल्यू। ठीक है जी, अगर ऐसे भी याद नहीं हो रहा है, इससे भी एक सिंपल तरीका मैं आपको इस क्वेश्चन में बता देती हूँ, आप टेन थीटा निकाल सकते हो, दोनों को डिवाइड करोगे, आप अल्फ़ा ऐसे निकाल सकते हो, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन x, ऐसे आप निकाल सकते हो, सबसे सिंपल तरीका है। एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट वैल्यूज़ देखो और डायरेक्ट लिख लो, एक तरीका ये है, ये सेकेंड मेथड है जिसे आप अप्लाई कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट टू। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, अभी tan इनवर्स क्या है,
अब ये टेन इनवर्स क्या है अभी बताती हूँ, परेशान मत होइए। ये टेन इनवर्स एज इट इज़ रखेंगे, वाई की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 1 और एक्स की वैल्यू कितनी थी रूट थ्री, तो 1 अपॉन माइनस रूट थ्री दैट इज टेन इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट थ्री। ठीक है जी, तो देखिए रूट 1 बाय रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है टेन थीटा में, किसकी वैल्यू होती है 1 बाय रूट थ्री 30 की होती है, तो ये हमारी किसकी वैल्यू है पाई बाय 6 की। क्लियर हुआ? तो ऐसे ही हमारा पाई बाय 6 आया। इससे ना करें तो आप इससे भी कर सकते हैं, ये मोड होता है। ठीक है, तो ये जो साइन है ये फाइनली मिट जाता है और ये एंगल वैल्यू हमारी पाई बाय 6 आ गई। तो ये भी आप ले सकते हैं और ये डायरेक्ट आपको याद करना है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। अल्फा आ गया, अब थीटा निकालेंगे। अब देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है फिर से देखते हैं। ये प्लस प्लस, ये कौन सा बताइए, कौन सा क्वाड्रेंट है ये वाला, ये प्लस था ये माइनस था, तो ये माइनस प्लस और ये माइनस माइनस, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट। इन्वॉल्व रही है, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई जा रही हूँ और आप कहीं और ही हैं। तो थीटा इज इक्वल्स टू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू याद कराई थी मैंने अभी अभी, एल्फ थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा, और पाई माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 5 पाई बाय 6। ठीक है, चलो यहाँ पे तो थीटा और आर ही निकालने थे, पोलर फॉर्म में भी कुछ नहीं करना है, आर और थीटा निकाल के यहाँ पे रख देना और आंसर निकाल लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, 3 में क्या कह रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ इस तरह से दिया है, z इज इक्वल टू 1 माइनस i, सिंपल। सबसे पहला क्या निकालेंगे, मॉडुलस निकालेंगे, r इज इक्वल टू z बार इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, वेरी गुड। y x कितना 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 2, वेरी गुड। r की वैल्यू निकल गई, ठीक है जी, r की वैल्यू निकल गई, तो r की वैल्यू उसमें रखेंगे तो z इज इक्वल टू मेरा कितना हो गया, अब रूट 2 है तो रूट 2 से मल्टीप्लाई, रूट 2 से डिवाइड, जो भी r की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, अगर होगा कॉमन तो कट जाएगा, नहीं होगा तो रह जाएगा क्वेश्चन में, और अंदर क्या रह गया 1 प्लस 1 माइनस है, सॉरी माइनस i। ठीक है, रूट 2 बाहर रहा, अंदर क्या रहा 1 अपॉन रूट 2 माइनस i अपॉन रूट 2, और इसको कंपेयर किससे करेंगे, r cos थीटा प्लस i साइन थीटा। ठीक है जी, चलिए कॉस थीटा की वैल्यू जल्दी से बोलेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू 1 बाय रूट 2, साइन थीटा की वैल्यू माइनस 1 बाय रूट 2। अब बताइए 1 बाय रूट 2 साइन थीटा कॉस थीटा दोनों की वैल्यू सेम किस में आती है, 45 डिग्री में, दैट इज अल्फा मेरा कितना आ गया, अल्फा कितना आ गया 45 डिग्री दैट इज पाई बाय 4। ठीक है जी, चलिए जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, आप क्वाड्रेंट बताइए, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, वेरी गुड। फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या थी, माइनस अल्फा थी मैडम जी, तो थीटा मेरा कितना आ गया माइनस पाई बाय 4 आ गया जी। अब इसे किस में रखेंगे, क्योंकि हमें तो पोलर फॉर्म निकालनी है, तो पोलर फॉर्म क्या आ जाएगी, पोलर फॉर्म आ जाएगी हमारी z इज इक्वल्स टू, फोन को भी अभी बजना था, क्या करना है सिर्फ कुछ नहीं करना है, पोलर फॉर्म के लिए सिर्फ वैल्यूज़ रख देनी है। तो z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r की वैल्यू रखेंगे कितनी, स्क्वायर रूट अपॉन कॉस माइनस पाई बाय 4 प्लस आई साइन माइनस पाई बाय 4। ठीक है जी, आई थिंक समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, कुछ बच्चे क्या करते हैं बहुत तेज बनने की कोशिश करते हैं और फिर क्या करते हैं इसे बोलते हैं कि मैम ये कॉस माइनस थीटा है, और ट्रिगो पे पहुँच जाते हैं, कॉस माइनस थीटा है तो पॉजिटिव में कॉस थीटा रख दिया, साइन माइनस थीटा है तो नेगेटिव में साइन थीटा रख दिया। ऐसा नहीं करना है, इसे यहीं छोड़ देना है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन खत्म होगा, आप इसे ट्रिगो की तरह सॉल्व करने मत लग जाइएगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट है नेगेटिव या पॉजिटिव, वो सब नहीं करना है, सिर्फ यहीं पे क्वेश्चन छोड़ देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, इसी के साथ क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, इसमें भी रूट 2 ही निकल के आएगा, चलिए कर लेते हैं इसे भी,
इसे कर लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगी। हाँ इसे कर लेते हैं, फिफ्थ हम होमवर्क में कर लेंगे। तो r इज इक्वल्स टू फिर से माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया, अंडर रूट टू। जेड मोड मेरा कितना आ गया, अंडर रूट, मॉडुलस निकल के आ गया। ठीक है जी, तो z इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकती हूँ, अंडर रूट टू अपॉन अंडर रूट टू, वही टू से रूट टू से मल्टीप्लाई रूट टू से डिवाइड, कॉस सॉरी वैल्यू रखेंगे माइनस वन प्लस आई इज इक्वल्स टू रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू प्लस आई अपॉन रूट टू। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। देखिए वैसी ही वैल्यूज आ गई, बिल्कुल सेम, अल्फा तो क्लियर हो गया, पाई बाई फोर आएगा। ठीक है जी, चलिए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस वन बाय रूट टू एंड साइन थीटा इज इक्वल्स टू वन बाय रूट टू। सो अल्फा इज इक्वल्स टू कितना आया, बोलो जल्दी, अभी तो बोला था, बोल जाते होती जल्दी, पाई बाय फोर। ठीक है, और अल्फा आ गया एंड अब क्वाड्रेंट बताएंगे, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। अभी पीछे भी क्या था इसका, उस तरह का क्वेश्चन, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। सो थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाय फोर इज इक्वल्स टू थ्री फोर माइनस वन थ्री पाई बाय फोर। दिस पुट द वैल्यूज, चलो रख देती हूँ तुम लोगों के लिए। आर हो गया रूट टू और अंदर कितना हो गया, कॉस थ्री पाई बाय फोर प्लस आई साइन थ्री पाई बाय फोर। हो गया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव आप लोग खुद से करेंगे, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ पे नेगेटिव है, जेड की वैल्यू सेम आएगी, ये वैल्यूज यहाँ तक बिल्कुल सेम चलेंगी, यहाँ पे जाके चेंज होगा, यहाँ भी दोनों नेगेटिव में आएंगे, अल्फा की वैल्यू यही आएगी, सिर्फ क्या होगा जो हमारा क्वाड्रेंट है दोनों नेगेटिव की वजह से थर्ड आ जाएगा और थर्ड की वजह से यहाँ आगे माइनस आ जाएगा और ये वाला जो आंसर है इसमें सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बाकी बिल्कुल सेम होना, कुछ नहीं बदलना, सिर्फ साइंस चेंज करना है। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या कह रहा है, इसने सिर्फ एक माइनस थ्री वैल्यू दी है, जेड इज इक्वल्स टू माइनस थ्री गिवन है और आई की कोई टर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें आई की टर्म को जीरो के साथ एज्यूम कर लेंगे कि कोई हमारे पास टर्म है आई की और वो क्या है, जीरो है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, वही अपना मॉडुलस निकालेंगे, विच इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर दैट मीन्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये तो जीरो हो जाएगा और माइनस थ्री का होल स्क्वायर नाइन हो जाएगा और नाइन का स्क्वायर रूट थ्री, आर आ गया हमारे पास। अब क्या करते थे, थ्री से मल्टीप्लाई थ्री से डिवाइड और अंदर हम एज इट इज लेंगे, इसे इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, थ्री माइनस थ्री अपॉन थ्री प्लस जीरो आई अपॉन थ्री इज इक्वल्स टू हो गया ये हमारा थ्री माइनस वन प्लस जीरो आई। ठीक है, और इसे हम किससे कंपेयर करेंगे, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा से। ठीक है जी, तो यहाँ से जब हमने कंपेयर किया तो आर तो हमारा थ्री था ही और कॉस थीटा क्या आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस वन एंड साइन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। तो अब बताओ साइन जीरो जीरो एंड कॉस जीरो जीरो, तो एंगल तो अल्फा तो हमारा कितना आ गया, अल्फा तो आ गया जीरो डिग्री और क्वाड्रेंट कौन सा आया, कॉस नेगेटिव साइन पॉजिटिव दैट मीन्स एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, याद हो गई होगी अब तक तो ये वैल्यू, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू कितना हो गया, पाई तो पाई रहेगा और अल्फा कितना है जीरो, तो मेरा थीटा कितना आ गया पाई और मेरी पोलर फॉर्म क्या आ जाएगी, लिख लेंगे पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म जब हम लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगी, जेड इज इक्वल्स टू आर मतलब थ्री कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, ये हमारा आंसर आ गया। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेवन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन भी बिल्कुल सेम इसी तरह से होगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे, जेड मोड निकालेंगे विच इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट रूट थ्री का स्क्वायर थ्री प्लस वन का स्क्वायर वन स्क्वायर रूट ऑफ फोर टू, तो जेड मोड तो कितना आ गया टू आ गया। ठीक है जी, अब z हमारा क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड और ये एज इट इज रहा इज इक्वल्स टू 2 बाहर रहा रूट थ्री अपॉन टू प्लस आई अपॉन टू। अब इसे जब हम कंपेयर करेंगे पोलर फॉर्म से अपनी, r cos थीटा प्लस i sin थीटा था, सो cos थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया, कितना हो गया cos थीटा रूट थ्री बाई टू,
एंड साइन थीटा कितना हो गया 1/2। दोनों वैल्यूज पॉजिटिव, तो क्वाड्रेंट तो कौन सा, पहला क्वाड्रेंट तो आ गया फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है। और अल्फा कितना आएगा, कब होती है हमारी कॉस की वैल्यू √3/2, कब होती है 30 डिग्री पे होती है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू कितना हो गया पाई बाय 6 हो गया, अल्फा पाई बाय 6 हो गया। और एस एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, जब क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या आता था हमारा, थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा आता है फर्स्ट में, रिमेंबर हो गई होगी अब तक वैल्यूज, फर्स्ट में अल्फा, दूसरे में पाई माइनस अल्फा, तीसरे में माइनस आगे आ जाता है पाई माइनस अल्फा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा। तो पोलर फॉर्म क्या आ जाएगी हमारी, पोलर फॉर्म क्या आ जाएगी, जेड इज इक्वल्स टू आर कितना 2 cos π/6 प्लस आई sin π/6। आ गया आंसर, हेयर इट इज। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है जो कि हमारी एक्सरसाइज का, वेयर इज द डस्टर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें सिर्फ आइटा की टर्म दी है, हमें रियल टर्म नहीं दी है। तो रियल टर्म नहीं दी है तो इसे हम क्या एज्यूम कर लेंगे, 0 प्लस आई बी एज्यूम कर लेंगे, आई बी तो मेरा 1 ही हो गया तो आई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जेड बार जेड मोड निकालेंगे, मॉडुलस निकालेंगे, विच इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर = 1। ठीक है जी, तो जेड मेरा क्या हो गया 1/1, तो कोई फर्क नहीं पड़ना, 0 प्लस आई, ये तो मत निकालो, ये हो गया। इसको कंपेयर करेंगे आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा से, सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। कब होती है कॉस थीटा की वैल्यू 0, अल्फा इज इक्वल्स टू कितना आ गया पाई बाय 2, 90 डिग्री पे होती है, होती है 90 डिग्री पे। और क्वाड्रेंट कौन सा है, दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट, सो थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। बस अब इस पाई बाय 2 को आप इस फॉर्म में पुट कर लेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 cos π/2 प्लस आई साइन पाई बाय 2, इतना तो आप कर ही लेंगे, एक लाइन ही तो लिखनी है। चलिए, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.2 खत्म हो गई, आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू, बाय बाय।